दोस्तों आज हम लोग आए हैं अजमेर शरीफ ख्वाजा जी की दरगाह पे, और ये देग देख रहे हैं आप लोग, 4800 किलो की ये देग है। इसके अंदर बनते हैं मीठे चावल, तो वीडियो को एंड तक देखना, पूरी मेकिंग हम लोग दिखाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर जाना, और वीडियो को शेयर करना तो भाई बनता है। तो हमारी देग बननी शुरू हो गई है। सबसे पहले से फूलों से सजाया गया, उसके बाद चंदन का लेप लगाया गया, अब इसके अंदर पानी भरा जा रहा है। इसमें पानी भर रहे हैं। तो पानी कितने लेवल तक भरते हैं ये लोग? ये कोई हाफ भी भरता है, कोई फुल भी भरता है, जितना जितनी देग बननी है, जितना प्रसाद बनना है। हाँ, ये देग जो है ये 4800 किलो की देग है। अब इस देग में मसाले डाले जा रहे हैं, देखिए आप देख सकते हैं पानी के ऊपर। इसके अंदर हल्दी डाली गई है सबसे पहले, और अब ये जा रहा है दूसरा हल्दी का पैकेट इसके अंदर। बेसिकली ये उन्हीं से बनवाया जा रहा है जिनकी मन्नत पूरी होती है, और जो ये देग बनवाते हैं इनके हाथों से ही ये शुभ कार्य शुरू हो रहा है। तो अब इसके अंदर जा रहा है मैदा, आप लोग देख सकते हो। मैदा और हल्दी क्यों डालते हैं इसके अंदर? हल्दी, आटा, मैदा शुरू में स्टार्टिंग इसलिए डालते हैं कि इसका ढक्कन बन जाता है। अच्छा। ये 1.5 से 2 घंटे तक आँच लगती है, अंदर ही पकता रहता है। पकता रहता है, फिर बॉइल होता है वो। अच्छा। इसका कोई ढक्कन तो है ही नहीं। हाँ। इसको ढक्कन के लिए हल्दी, आटा, मैदा तय। अच्छा। लगाइए इसकी, फिर उसका बॉइल होगा। 1.5-2 घंटे बाद बॉइल होने के बाद फिर शक्कर डलेगी। क्या बात है गाइस, ये चीज मैंने आज नहीं देखी है कि इसको ढकने के लिए एक लेयर बन जाए जिससे हल्दी और मैदा की, फिर उसके नीचे चावल पकते रहेंगे और ये एज अ ढक्कन का काम करता रहेगा। ओ भाई साहब, आप इस आँच को देख सकते हो, कितनी ज्यादा इसने लपटे पकड़ ली हैं। आग इसमें बहुत ज्यादा भयंकर वाली लग चुकी है। इसके अंदर कितनी लकड़ियां जाती हैं? इसमें कम से कम जो है 35-40 क्विंटल लकड़ी जाएगी। 35-40 क्विंटल लकड़ियां इसके अंदर भरी जाएंगी, मतलब ये तो मतलब लग गई है और डाली जाएंगी इसमें लकड़ियां। जी हाँ जी हाँ, ये भी होएगा। क्या बात है भाई साहब। जब तक ये पर्दा रेडी हो रहा है, अब बारी है इस देख के आसपास चावल और चीनी के कट्टे रखने की। और आप देख सकते हो भैया कितनी मेहनत कर रहे हैं, सारे कट्टे उठा उठा के इन्होंने देख के आसपास रख दिए हैं। यार 2 घंटे लग गए हैं इस पानी में उबाल आने के लिए, और ये पर्दा बिना रेडी हो चुका है, अच्छे से पक चुका है। अब बारी आएगी इसके अंदर चीनी डालने के लिए। सबसे पहले इसके अंदर चीनी डाली जाएगी, और ये काम अकेले का तो है ही नहीं, कम से कम नहीं तो 3 से 4 लोग इसके अंदर सारा राशन एक साथ डालेंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पे ना देख के आसपास काफी सारे लोग देख के ऊपर हाथ रख के खड़े हुए हैं। ये 7 धातुओं से बनी थी, 7 मेटल से ये बनी हुई थी, और मैंने खुद जाके इसके ऊपर टच किया इसको, तो ये बिल्कुल भी गर्म नहीं थी। नीचे से आग लग रही है और ऊपर से बिल्कुल ठंडा, ये तो कोई करिश्मा ही हो सकता है। अब बारी है इसमें चावल डालने के लिए, और यहाँ पे चावल ना किलो में नहीं डलते, यहाँ पे चावल क्विंटल में डलते हैं, और पता नहीं कितने क्विंटल चावल इसके अंदर डाले जा रहे हैं, आप देख सकते हो। और अब बारी होगी इसको मिलाने की, और पूरी शरीर की मेहनत, एक बंदे की नहीं 4-5 लोगों की, पूरा इसको अच्छे से घुमाया जाएगा दोनों तरफ से। बिल्कुल भी आसान काम नहीं है दोस्तों ये, और आप देख सकते हो इसके अंदर से कितना सारा धुआं निकल रहा है। और अब चावल बस पकने ही वाले हैं, कुछ थोड़ा सा इंतज़ार और इसके बाद ही हो जाएगा सर्व करने के लिए। इसके अंदर दुआ भी पढ़ दी गई है, और आप देख सकते हो पूरा पानी सूख चुका है अच्छे से, मतलब आधा घंटा और ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30, और आप देख सकते हो इतनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग सारे मिलकर। ये पूरा टीन घी का अब जाने वाला है इसके अंदर, इसके साथ साथ जाएंगे इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, और ये कुछ 200 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो नहीं, ये बहुत सारे किलो, 40 किलो, 50 किलो, ऐसे ऐसे जाएगा इसके अंदर। अभी आज जो देग के अंदर चावल बन रहे ना, वो कम से कम नहीं तो 1000 किलो चावल है। और देखिए किस तरीके से घी को उछाला जा रहा है, पूरे अंदर तक इसे फैलाया जा रहा है, क्या बात है। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, ये देखिए, जिसने आज सेवा करी है, जिसकी आज सेवा है, जिसकी आज मन्नत पूरी हुई है, वो ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल रहे हैं, काजू, बादाम, मखाने, नारियल जिसे खोपरे भी बोला जाता है, उसके अलावा किशमिश। और यहाँ पे आप देख सकते हो भैया रेडी हो रहे हैं शूज पहन के पूरे, क्योंकि ये अब जाने वाले हैं इस गर्म उबलती हुई कढ़ाई के अंदर, देख के अंदर पूरे अच्छे से इन्होंने अपने पैर पैक कर लिए हैं, और अब इसके अंदर ये जाएंगे और इसमें जितने भी मीठे चावल हैं ना वो निकालेंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी रिस्की। तो फाइनली हमारा प्रसाद तैयार हो गया है, और इन ड्रम्स में ये भरा जाएगा, इसके बाद ये पूरे देख की सफाई हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ये प्रसाद है, और देख सकते हो आप कितने सारे इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हैं।
अब मैं इसका टेस्ट तो क्या ही करूँ, इसमें ख्वाजा साहब की इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, तो ये तो डेफिनेटली टेस्टी होने वाला है. एंड वी आर लक्की. एंड मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी नवाज़ भाई और नदीम भाई को, जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी इस देख की वीडियो को शूट करने में. और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. जितना आप प्यार आप ख्वाजा जी से करते हैं, उतना ही प्यार इस वीडियो को शेयर करके बताइएगा. और हाँ, आखिरी चीज़, अगर आपको मेरी किसी भी शब्द से या किसी भी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट शूट जो मैं किसी रिलीजियस प्लेस पे आके कर रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए. जो मन में आया वो पूरी श्रद्धा के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है. एंड दैट्स इट.